नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वीक के महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले यूजी, बीएससी, बीए, बीकॉम और जो आपके बीवो कोर्सेज हैं, बीबीए, बीसीए, फर्स्ट ईयर एडमिशन्स की बात करें, तो उनमें एडमिशन लेने की आज 31 जुलाई जो लास्ट डेट है। तो कल जो है वो जितने भी आपके मैक्सिमम कॉलेज हैं वहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर की मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ जो है, जैसे आपका संजौली कॉलेज है वहाँ भी जो शिमला में, उसकी कट ऑफ भी कल आ सकती है। उसी के साथ कोटसोरा कॉलेज की यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कल आ सकती है। इसी के साथ जो आपका आर के एम बी कॉलेज है उसकी कट ऑफ भी यहाँ पे आ सकती है। तो मैक्सिमम जो भी जितने भी हिमाचल में कॉलेज हैं उनकी यू जी फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर कल जो है वो कट ऑफ आ जाएगी, यानी कि 1 अगस्त को यहाँ पर कट ऑफ जो है वो जारी कर देंगे सारे कॉलेज। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देखें या अपडेट देखें, तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू में जो है वो यूजी में एडमिशन्स के लिए यहाँ पे डेट जो है वो बढ़ा सकता है। ऐसे तो कट ऑफ मैंने अभी आपको न्यूज़ में बताया कि कल आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो एडमिशन की यहाँ पे डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। बिकॉज जो आपका सीबीएसई था और आईसीएसई बोर्ड था उनके रिजल्ट जो थे यहाँ पे जो थे वो लेट अनाउंस हुए थे। जैसे सीबीएसई का रिजल्ट यहाँ पे 22 जुलाई को जो है वो अनाउंस हुआ था, तो कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई नहीं कर पाए थे, बिकॉज उनको यहाँ पे जो थे वो यहाँ पे 7-8 दिन ही जो थे वो यहाँ पे एडमिशन्स के लिए मिले थे। तो यहाँ पे जो हो सकता है कि आज शाम को या कल नोटिफिकेशन आ जाए कि जो आपकी यूजी में एडमिशन लेने की डेट है फर्स्ट ईयर में, वो यहाँ पे एक्सटेंड जो है वो हो सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो यहाँ पे पीजी कोर्सेज के लिए जो आप प्रवेश फॉर्म फिल करोगे वो कल यानी का 1 अगस्त से जो वो स्टार्ट होंगे। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो आपका सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज़ है, जो आपका इवनिंग कॉलेज है, वहाँ पे पीजी में एडमिशन्स के लिए जो है वो आप कल यानी 1 अगस्त से जो है वो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म जो फिल कर सकते हो। इसमें आपका जो कोर्सेज रहेंगे उसमें एमए हिंदी, इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, आपका एमकॉम पॉलिटिकल साइंस जो है वो रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रवेश करने लेने की तिथि है उन्होंने 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जो है वो रखी है, और 11 अगस्त को यहाँ पे जो है वो फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस हो जाएगी। और आप जिनको एडमिशन मिल गई है वो यहाँ पे 22 अगस्त तक उनको जो है फीस सबमिट करवाने का जो समय है वो मिलेगा, और 31 उसके बाद जो है अगर फिर भी सीट वैकेंट रह जाती है तो यहाँ पे जो वाइस चांसलर है उन्हीं की अनुमति पे जो है यहाँ पे एडमिशन जो मिलेगी। तो आप जो है वो हिमाचल प्रदेश जो इवनिंग कॉलेज है वहाँ भी जो है वो पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो जिसकी डेट जो है वो कल से वहाँ पर फॉर्म आना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो आपकी जो एचपी क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी या जो आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उनकी जो पीजी के लिए काउंसलिंग है वो कल यानी 1 अगस्त से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी उन्होंने मेरिट लिस्ट निकाली थी उसके पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप जो है वो भी चेक कर सकते हो, और उस यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो कि मेरिट में आपका नाम है, तो आप जो है वो कल जाके जो है वहाँ पर काउंसलिंग जो है वो अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट जो है यहाँ पे वो एचपीयू से रहेगा, तो एचपीयू की काउंसलिंग भी यहाँ पे पीजी के लिए स्टार्ट हो गई होने वाली है। तो जो ये एचपीयू की काउंसलिंग है यहाँ पे 2 अगस्त से जो है वो शुरू होगी, तो यानी कि 2 अगस्त से यहाँ पे जो जितने भी सब्जेक्ट थे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डेट आ गई हैं, तो आप जो है फर्स्ट यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी 2 अगस्त से स्टार्ट जो है वो होगी। अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो ये अपडेट जो है वो आपका एचपी क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी है, जो आपकी सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी है वहाँ से रहने वाला है। तो वहाँ पे जो है वो जो आपका ये नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे पहली बार जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये सिर्फ जो आपका नॉर्थ इंडिया है सिर्फ यहाँ पर जो आपकी एचपी क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी है वहीं ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो इसकी जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पर 6 अगस्त को होगी, और इसके लिए जो है यहाँ पर 100 लोगों ने
अप्लाई करा था और जो सीट्स है यहाँ पे 30 सीट्स जो है वो रहने वाली हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ था, तो जिन भी 100 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करा है उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे BSc फाइनल ईयर के रिजल्ट के आधार पर बनेगी। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे HPU ने MBA के लिए जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है और उसी के साथ जो है उन्होंने वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया है। तो ये आपका जो भी ग्रुप डिस्कशन है और जो आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा वो यहाँ पे 16, 17, 18 और 20 अगस्त को जो है वो निर्धारित किया गया है। और इससे रिलेटेड जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए जो ग्रुप डिस्कशन होगी ये 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जो है वो चलेगी। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट अपडेट है वो इग्नू से रहने वाला है। तो आपकी जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करने की आज जो है वो लास्ट डेट है, तो 31 जुलाई तक आप जो उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें अप्लाई करने की आज लास्ट डेट है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट है या कोई चाहता है कि वो इग्नू से कोई UG या PG कोर्सेज करे तो वो आज अंतिम डेट है उसकी, तो वो जल्दी से आज अप्लाई जो है वो कर ले। अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो आपकी MTech और मास्टर इन आर्किटेक्ट है और उसी के साथ MSc की जो क्लासेस हैं वो NIT हमीरपुर में जो है वो 22 अगस्त से जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं। तो NIT हमीरपुर ने यहाँ पे अपना एकेडमिक कैलेंडर जो वो अनाउंस कर दिया है। तो यहाँ पे MTech आपका मास्टर इन आर्किटेक्ट और MSc की जो क्लासेस है वो 22 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट जो है वो होने जा रही हैं। अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी है वहाँ पे जो है BSc पोस्ट बेसिक, BSc MSc नर्सिंग, BSc पैरा मेडिकल, BPharma के लिए जो भी अप्लाई किया था आप लोगों ने उनकी जो प्रवेश परीक्षाएं हैं एंट्रेंस टेस्ट जो है वो यहाँ पे 28 अगस्त से जो वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश में लाखों स्टूडेंट्स थे उनको जो भी स्कॉलरशिप मिलती थी अब वो यहाँ पे जो पहले स्कॉलरशिप थी 9 से लेके 12 हज़ार रुपये तक मिलती थी, जो ईयरली थी मतलब सालाना आपको जो साल में 9 से 12 हज़ार तक की स्कॉलरशिप मिलती थी अब उसको बढ़ाकर यहाँ पे 18 हज़ार जो है वो कर दिया है। तो इसमें लगभग जो है वो 9 हज़ार का इजाफा जो है वो किया गया है। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको जैसे आपकी आती थी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप थी, एक आपकी कल्पना चावला यहाँ पे स्कॉलरशिप थी, उसी के साथ आपका SC ST स्कॉलरशिप थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप थी। तो जो जितनी भी सारी स्कॉलरशिप थी अब इसके अमाउंट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो अब 18 हज़ार रुपये ईयरली जो है वो कर दी गई है। इसमें जो आपकी IRDP BPL जो आपकी स्कॉलरशिप थी वो भी आती है। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपको पता ही था कि आपका 2-3 साल पहले एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें जो था JBT के लिए BEd भी एलिजिबल थे। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट थे जिनके JBT टैट पास था और वो उन्होंने JBT नहीं करी थी लेकिन वहाँ पे वो BEd करे हुए थे और उन्होंने साथ में JBT टैट भी पास करा था। उस टाइम तो एलिजिबिलिटी थी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब उनका इवैल्यूएशन हुआ मूल्यांकन हुआ तो उनको यहाँ से जिन्होंने BEd टैट करा था उनको JBT भर्ती से बाहर कर दिया गया है। बिकॉज़ यहाँ पर हाईकोर्ट की पटीशन तो थी कि जो BEd JBT है वो एलिजिबल है JBT के लिए भी, लेकिन यहाँ पे हिमाचल सरकार ने उसके बाद हाई कोर्ट का जो यहाँ पे जजमेंट आई थी उसके खिलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो था वो अप्लाई कर दिया था कि वो एलिजिबल नहीं होने चाहिए। तो सरकार के उसी नोटिफिकेशन पे यहाँ जो आपका हिमीरपुर चयन आयोग है उनको यहाँ पे नोटिफिकेशन गया था गवर्नमेंट का कि वो एलिजिबल नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने उनको जो बाहर कर दिया है। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। तो यहाँ पे जिसने भी 10th के बाद जो है वो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज करे हैं जैसे आपके पॉलिटेक्निकल कोर्सेज होते हैं, ये जो यहाँ पे जिन्होंने 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज करे हैं चाहे वो पॉलिटेक्निकल कोर्सेज हों या दूसरे कोर्सेज हों जिन्होंने करे हैं वो अब +2 के इक्वल जो है वो माने जाएंगे। तो यहाँ पे एक जो स्टूडेंट था उसने यहाँ पे 10th करी थी और उसके बाद उसने जस्ट जो था वहाँ पे डिप्लोमा ही करा था पॉलिटेक्निकल का, तो उसको उसने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई करा था जहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, जहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के बाद वेरिफिकेशन के बाद तो उन्होंने जो था हाईकोर्ट में अपील करी और हाईकोर्ट ने यहाँ पे फैसला दिया कि जिन्होंने भी 10th के बाद जो है
पॉल टेक्निकल डिप्लोमा करा है, अब उसको भी प्लस टू के इक्वल जो है वो माना जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो यहाँ पे पंचायत सचिवों के 399 पद जो है वो भरेगी, और ये जो जो विभिन्न पोस्टें हैं वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है भरी जाएंगी। इसके साथ जो है वो पंचायत सचिवों को जो पद बने थे इसमें सिलाई अध्यापकों के पद भी जो है वो चले आ रहे हैं। तो ये जो पद हैं पंचायत सचिवों के, ये अब जो है हिमाचल प्रदेश चयन कर्मचारी आयोग द्वारा भरे जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर जल्दी ही देखने को मिल सक। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के 300 पदों को भरने के लिए यहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सरकार से मंजूरी मांगी है। तो आपके यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के जो 300 पदों के लिए वैकेंसीज है वो यहाँ पर जल्दी ही आपको उनके रिगार्डिंग, उनको भरने के रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी जो आपका वन विभाग है उसने सरकार से यहाँ पर अपील करी है कि आप हमको 300 पद भरने की मंजूरी दो, अगर सरकार उसको यहाँ पे अप्रूव कर देती है तो आपको यहाँ पे जल्दी ही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो है वो देखने को मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो आपके शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवा हैं वो उनके लिए यहाँ पे अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले जो युवा हैं शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर, वो 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक जो है वो अग्निवीर भर्ती के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। और ये जो आपका यहाँ पे भर्ती होगी ये 12 अक्टूबर को यहाँ पे निर्धारित जो है वो करी गई है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस की बात कर लें तो जो कुछ एक स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बीए बीएससी फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट तो आ गया है लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो अभी नहीं आई है। तो ये मेरिट लिस्ट इसलिए नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिनके यहाँ पे अवार्ड लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँची थी, जिससे उनका रिज़ल्ट यहाँ पर अनाउंस नहीं हो पाया था। जब ये मेरिट आपकी जो अवार्ड लिस्ट है यूनिवर्सिटी में अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपकी बीए और बीएससी फाइनल ईयर की मेरिट लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी जाएगी। तो ये मेरिट लिस्ट आपको विद इन 7 to 10 days देखने को मिल सकती है। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे बीएड काउंसलिंग की बात करें तो बीएड काउंसलिंग भी आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन ही जल्दी ही देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे पीजी की काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे 2 अगस्त से एचपीयू में स्टार्ट हैं। तो बीएड मोस्ट प्रोबली यहाँ पे बीएड के लिए नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे एचपीयू, वो तो ऑनलाइन काउंसलिंग ही होनी है आपकी, उसके लिए आपको एचपीयू तो नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग वो नेक्स्ट वीक आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबली जो है वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो एचपीयू यहाँ पे अनाउंस कर देगा। तो नेक्स्ट वीक तक आप वेट कर लो तो जो है वो आपका यहाँ पे बीएड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। उसी के साथ अगर हम लोग एचपीयू यूजी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के रिज़ल्ट की बात करें तो उनका रिज़ल्ट यहाँ पे अभी तो मे भी आपका जो अगस्त लास्ट और जो आपका सितंबर फर्स्ट वीक है तब तक ही अनाउंस होगा। उससे पहले यहाँ पर आपका यूजी फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीक के कुछ एक एजुकेशनल अपडेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।